चलिए इसी बीच बात करते हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को खत लिखने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा को खत लिखने वाले आरोपी को पकड़ने में एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल की है। नांदेड़ से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बता दें बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक संदिग्ध चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी उर्दू में लिखी थी। चिट्ठी के साथ कुछ पाउडर भी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिला था, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम उनके घर पहुंची थी और पूरे मामले की जांच की जा रही थी। और चार दिन के अंदर एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी को नांदेड़ से गिरफ्तार कर लिया है। ये चिट्ठी मिलने के बाद से ही इस पर काफी ज्यादा सियासत गर्मा रही थी। जिस तरह से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ये लेटर मिला, उसमें कुछ रासायनिक पाउडर भी था, जिससे छूकर कुछ दिक्कत उन्हें हुई थी। बता दें कि पाउडर के साथ उर्दू में जो खत था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रज्ञा ठाकुर के फोटो पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। साध्वी के स्टाफ ने पत्र को संदिग्ध देखते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सांसद के घर पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे। पुलिस ने पत्र को कब्जे में लेकर एफएसएल की टीम को भी बुलाया था, जिसने पाउडर और उर्दू में लिखे पत्र को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया था। और अब एटीएस ने इस पूरी घटना पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस तरह से संदिग्ध लेटर सांसद को मिला था, उसमें पुलिस ने आरोपी को नांदेड़ से गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस की टीम ने नांदेड़ से उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को खत लिखा था, और उर्दू में यह लेटर लिखा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ही सांसद साध्वी प्रज्ञा के फोटो पर क्रॉस का निशान लगा था। आतंकी सईद का फोटो भी, हाफिज सईद का फोटो इस लेटर पर लगा हुआ था, जिसके बाद इसे संदिग्ध मानते हुए सांसद ने इसकी शिकायत कमला नगर थाने में दर्ज की। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर पूरे मामले की जांच शुरू की और एटीएस को ये पूरी कार्रवाई सौंपी गई, जिसके बाद एटीएस ने बड़ी सफलता आज हासिल की है। चार दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।